इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा विधानसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं और इसमें जानकारी ये मिली है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वेल में घुस गए और इसमें कई विधायकों को निलंबित भी किया गया है हंगामा करने को लेकर के। हालांकि यहां पर विधायकों को शांत करवाने की कोशिश की गई, लेकिन किस तरीके से जो महिला विधायक थी, जो महिला सदस्य थे, उनमें कैसे गुत्थम गुत्था होती है, तस्वीरें आप देखिए। त्रिपुरा विधानसभा से तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की सामने आई है। जबरदस्त हंगामा होता है। दरअसल कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सदन में अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन जबरदस्त हंगामा हो जाता है। यहां पर विधायकों को शांत करवाने की कोशिश की जाती है स्पीकर द्वारा, लेकिन अब इसमें 5 मेंबर ऐसे हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है हंगामा करने को लेकर के। तो ये तस्वीरें आप देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से, जहां पर विधानसभा में ये जबरदस्त हंगामा हुआ और जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इसमें शामिल थे जिन्होंने हंगामा किया। देखिए कैसे टेबल बजाते हुए अपनी बात रखने की ये लोग कोशिश कर रहे थे और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें ये सत्ता पक्ष से असहमत थे, उसी को लेकर के बवाल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। टेबल के ऊपर कुछ सदस्य चढ़ जाते हैं और जबरदस्त नारेबाजी करने लगते हैं। जिसकी वजह से वहां आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और हाईवे पर घंटों तक लंबा जाम लग गया, क्योंकि हाईवे पत्थरों के गिरने के बाद पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। पहाड़ दरकने की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तेज बारिश के बाद अचानक से ही भरभराकर पहाड़ से पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद जो जहां था वो वहीं रुक गया और देखते ही देखते पहाड़ से गिरे पत्थरों के टुकड़े पूरे हाईवे पर बिखर गए। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही चमोली के छिनका का ये रास्ता ठीक होने के बाद खोला गया था, जहां से एक बार फिर से पहाड़ दरकने की घटना सामने आई। पाकिस्तान में भी बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। वहां के लाहौर में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भारी बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान वहां से आई कुछ तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी तो कई उस सैलाब में आधी डूबी हुई नजर आईं। सड़कों पर मटमैला पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में और बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी। कई इलाकों में बाढ़ से ऐसा हाहाकार मचा कि लोगों को पिछले साल आए भीषण बाढ़ का मंजर याद आने लगा, क्योंकि पाकिस्तान में कई शहरों पर आसमान से मानो आफत बरस रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई। लाहौर में तो बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बाढ़